I'm Veena and welcome back to my channel. Thank you so much for like, share and your subscription. आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में बहुत कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ. 5 कॉमन मिस्टेक यू डू व्हाइल योर ज्वेलरी मेकिंग. आप 5 ऐसी गलतियाँ करते हो जब भी आप ज्वेलरी बनाते हो, चाहे आप फर्स्ट क्राफ्टर हो चाहे आप सेकंड क्राफ्टर हो. अगर आप बिगनर हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, बट अगर आप सेकंड क्राफ्टर हैं बट फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ आप करते हो और थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, उन गलतियों से आपकी ज्वेलरी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. कम सेल होती है, लोगों को पसंद नहीं आती है, लोग उस पर ज़्यादा ऑप्शंस मांगते हैं एंड लोग कलर मांगते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं एंड उन छोटी छोटी चीज़ों को आप सुधार करके आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं एंड अपनी जो सेलिंग है उसको आप और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपके साथ में फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी. तो पहली मिस्टेक आप करते हो टूल्स. इट्स अ मेन टॉपिक है, बहुत बेसिक है, बट इसके बारे में आई डोंट नो कोई एग्जैक्टली बात नहीं करता है, बट मैं अपने 5 ईयर की एक्सपीरियंस को लेके बोल रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे जब ध्यान देना स्टार्ट करेंगे यू विल गेट आइडिया, यू विल रियलाइज कि आपको आपकी ज्वेलरी में कितना मज़ा आ रहा है व्हाइल मेकिंग. कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमारे टूल्स अच्छे नहीं होते. अगर हम टेलर है और अगर हमारी सीजर खराब है तो हमें कपड़ा कट करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. उसी तरीके से अगर हमारे टूल्स अच्छे नहीं है, हमारे टूल्स शार्प नहीं है, हमारे टूल्स हमारे हाथों में कंफर्टेबल नहीं है तो हम अच्छे से ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं. सो आप इन सब छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. अब जब भी आप टूल सेलेक्ट करते हो आप हमेशा प्राइस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो कि नहीं मैं ऐसे टूल ले लेती हूँ जो सस्ते आ रहे हैं या फिर कम प्राइस में मुझे मिल रहे हैं. नहीं, कभी भी कोई भी टेलर होता है वो अच्छी सीजर पे या फिर अपने अच्छे टूल्स पे इन्वेस्टमेंट करता है. अगर आप आर्टिस्ट है तो अपने टूल्स पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जस्ट एग्जांपल, एक पेंटर है तो पेंटर बहुत अच्छे ब्रश यूज करता है. उसी तरीके से अगर आप ज्वेलरी बना रहे हैं तो आप अपने टूल्स पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए. आपको टूल्स प्रीमियम कैटेगरी के लेने हैं क्योंकि टूल्स को हम बार बार परचेज नहीं करते हैं, इसीलिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छी क्वालिटी के टूल्स आपको परचेज करना है. अब आप पूछेंगे कि टूल्स कहाँ से लेना है, कौन से तरीके के टूल्स लेने चाहिए. डोंट वरी, इन सबका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके टूल्स परचेज कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो आपका सबसे अच्छा डिसीजन होगा. मैंने ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया था तब से लेके मैं अब तक उन टूल्स को यूज़ करती हूँ एंड टूल को कैसे प्रिजर्व करना है, टूल को आप कैसे लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको छोटा सा हैक बताती हूँ वो आपको यूज़ करना है. तो सबसे पहले आपने जब भी टूल यूज़ किया है उसको मेक श्योर क्लीन करके एंड देन मशीन का ऑयल यूज़ करना है. आपके घर में कोई भी स्टिचिंग करता है तो उनको मशीन का ऑयल होता है उसके बाद में ज़रूर आइडिया होगा. अगर आपके पास मशीन का ऑयल नहीं है तो आप ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में दोनों नहीं है तो आप घर का कोई भी कुकिंग ऑयल से भी आप अपने टूल्स को नरिश करके एंड देन आप रख सकते हो. इससे आपके जो टूल्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, बारिश के सीज़न में उस पर जंग नहीं लगेगा एंड वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे. एंड जब भी आपको यूज़ करना है मेक श्योर आप उसको क्लीन करो, उसके बाद टूल्स को यूज़ करो. जो होते हैं वो आपकी ज्वेलरी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है. जब भी आप उनको मोल्ड कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो उनसे क्या होता है छोटी छोटी माइनोर सी डिटेलिंग्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है फैब्रिक सिलेक्शन. जी हाँ, फैब्रिक सिलेक्शन. मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ एंड अपनी क्लासेस में भी कहती हूँ कि आप फैब्रिक सिलेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो. बनाने से भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है कि आप फैब्रिक सिलेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो. आप कोई भी फैब्रिक उठा के ले आते हो, जो मिल रहा है वो ले लेते हो, ऐसा नहीं करना है. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन से पर्पस के लिए आप चीज़ें बना रहे हैं. एंड मैंने कई बार बताया है कि कुछ कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्वेलरी बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है. जस्ट एग्जाम्पल, आप पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ में कभी भी एक अच्छी ज्वेलरी नहीं बना सकते, अगर आप बिगनर हैं तो भी एंड अगर आप सेकेंड क्राफ्टर हैं तो भी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत टाइम के बाद में मुझे पॉलिस्टर ज्वेलरी के साथ में काम करना आया है, बट उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो होती है ग्लू की, स्टिचिंग की, और वो बहुत टाइम टेकिंग होती है. कहते हैं कि जब भी आप परचेज करने जाए फैब्रिक
तो आप उनसे सिर्फ कॉटन फैब्रिक ही मांगिए। आपको अगर कॉटन फैब्रिक के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि 100% कॉटन है या नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो 80% भी कॉटन फैब्रिक है फिर भी आप उसे काम चला सकते हैं। एंड दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है वो है प्रिंट्स। जब भी आप फैब्रिक सिलेक्शन के लिए जाएं तो आपको प्रिंट के बारे में ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे और कौन से स्टेट में कौन से प्रिंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जस्ट एग्जाम्पल, आपको लोकल आर्टिस्ट या फिर आपको लोकल जो आर्ट है उनको ज़्यादा प्रमोट करते हुए एंड सारे प्रिंट्स को लेना है। जैसे अहमदाबाद में गुजरात के जो लोकल प्रिंट्स हैं वो डाबू, कलमकारी, लहरिया, बांधनी, इस टाइप के प्रिंट्स होते हैं। तो जैसे ही आप असम से हैं तो असम का कोई लोकल फैब्रिक है वो आप यूज़ करो। अगर आप साउथ से हैं तो साउथ कॉटन के आप साउथ कॉटन को यूज़ करके एंड देन आप चूड़ी बना सकते हो। इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से, इन सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने से पता है क्या होता है, आपको ज्वेलरी को सेल करने के लिए ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है। आपने कभी भी मेरी आप मेरा जब भी पेज ओपन करेंगे, आप मेरा कोई भी आप प्लेटफॉर्म देखेंगे ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं ज्वेलरी सेल करती हूँ, आपने हमेशा एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि मैं बहुत लोकल प्रिंट्स यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी अतरंगी प्रिंट्स यूज नहीं करती जो मेरे क्लाइंट को नहीं पसंद आती, क्योंकि मैं जिस स्टेट में रह रही हूँ, मैं जिस सिटी में रह रही हूँ, वहाँ के ऑडियंस का टेस्ट मुझे पता है एंड उसी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ एंड उन्हीं से रिलेटेड मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए कि आपकी ज्वेलरी सेल क्यों नहीं होती है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर थर्ड की। जो थर्ड टॉपिक है वो है चीप क्वालिटी का ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल। इसके बारे में मुझसे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि वीना हमारी ज्वेलरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो सबसे बड़ा आपका जो फैक्टर है आपकी ज्वेलरी को प्रीमियम ना बनाने का या फिर आपकी ज्वेलरी सेल ना होने का या फिर आपको रिपीट ऑर्डर्स ना मिलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आप ज्वेलरी का जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप पर्ल्स यूज़ कर रहे हैं तो पर्ल्स में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी आती है जिनको आप एज अ रेगुलर बेसिस पे आप उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है जो जल्दी ख़राब ना होता हो एंड स्पेशली वो मटेरियल जो रेगुलर यूज़ होता है। जस्ट एग्जांपल, जम रिंग हो गया, हेड पिन, आई पिन, ये जितना भी बेसिक मटेरियल है, चेन्स हो गया, वायर हो गए, ये सारे आपको अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना है ताकि कस्टमर उसको बार बार पहने और वो ख़राब ना हो। एंड आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए कि इनको कैसे प्रिजर्व करना है या फिर अगर आप कस्टमर को दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो मार्केट में ही ऐसा अवेलेबल है, तो उस केस में हम पता है क्या काम कर सकते हैं। आप कोई भी विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तो आप उसके पीछे एक नोट लगा सकते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि आप टूल्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसी तरीके से जब भी आप ज्वेलरी को पहने तो उसको क्लीन करके ज़रूर रखें, उसको क्लीन करके एंड अच्छे से उसको ड्राई करके एंड देन रख दो। ऐसा ही सेम फैब्रिक ज्वेलरी में भी होता है, कई बार ज्वेलरी स्वेट की वजह से बहुत जल्दी ख़राब होती है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बट जहाँ तक हो सके आपको अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल यूज़ करना है। ये टॉपिक नंबर फोर। टॉपिक नंबर फोर पे हम बात करने वाले हैं कलर कॉम्बिनेशन को लेके। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी ब्रांड्स जो है अपने कलर को लेके बहुत स्पेसिफिक होती है एंड उनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। कई बार हम उन प्रोडक्ट को कलर की वजह से भी परचेज करते हैं। तो सेम जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अपनी ज्वेलरी में भी अप्लाई करनी है। कलर आपकी ज्वेलरी के इतने अच्छे और इतने प्रीमियम कलर्स होने चाहिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उनको लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। जस्ट एग्जांपल, आपने कभी देखा होगा कि पेंटोन्स का कंपनी है वो हमेशा नई हर साल कलर जो है वो नए इंट्रोड्यूस करती है, तो आप उनका कलर चार्ट खरीद सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे से कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो। अगर आप एक से ज़्यादा कलर के साथ ज्वेलरी बना रहे हैं तो आप अमेजोन से कलर व्हील भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको परचेज करने के बजाय आप उसको ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। बट
आप उसमें बहुत सारी चीजें ये भी देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन से आपकी ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जस्ट एग्जांपल, आपने ब्लैक कलर लिया है, उस पे ब्लैक पे आपने ग्रे डाल दिया है तो वो एक कलर डल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने ब्लैक के ऊपर कोई ब्राइट कलर डाल दिया है तो उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो ज्वेलरी होती है एंड आपका जो पेज होता है, जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी जो ज्वेलरी है, अपना प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपका पेज इसलिए भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है कि आपने कलर अच्छे से चूज नहीं किए हो। जब भी मैं अपने कस्टमर से बात करती हूँ तो उनका एक ही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है कि रीना, आपकी ज्वेलरी के कलर्स इतने ब्राइट एंड इतने परफेक्ट होते हैं कि हमें लगता है कि हम ये सारा ले लें। ये कस्टमर की बात है, मैं आपको खुद से बना के नहीं बोल रही, ये मेरे कस्टमर का कॉम्प्लीमेंट है जो हमेशा मुझे मिलता है कि आपकी ज्वेलरी में हमें हमेशा एक चीज पसंद आती है, वो है आपके कलर। आपके कलर बहुत अच्छे होते हैं, आपका फैब्रिक सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ कि आपको कौन कौन सी माइनर सी चीजें ध्यान रखने से आपकी ज्वेलरी और ज्यादा आपकी ज्वेलरी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कलर कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपके साथ में जरूर एक नया टॉपिक आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। हमारा लास्ट फिफ्थ टॉपिक ये है स्टिचिंग। जब भी आप स्टिचिंग करते हैं उसमें भी आप एक कॉमन मिस्टेक ये कर देते हैं कि उसका जो थ्रेड है वो बहुत लूज हो जाता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा एंड ये आपकी ज्वेलरी पे बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालते हैं, आपके कस्टमर पे बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालते हैं जब आप इस तरीके का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों की ज्वेलरी एग्जीबिशन में लोग जब लाइव देखते हैं तो ऐसे ही उनको रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उनकी फिनिशिंग एंड उनकी स्टिचिंग इतनी रफ होती है और इतनी कच्ची होती है कि उनको लगता है कि अगर हम ले लेंगे तो ये सारी टूट जाएगी एक दो दिन में। तो आपने जितनी भी चीजों पे ध्यान दिया है, कलर पे ध्यान दिया या फिर डिजाइनिंग पे ध्यान दिया, ये सारी चीजें मिट्टी में मिल जाएगी अगर आपने इसका स्टिचिंग प्रॉपर नहीं किया है या फिर आपने उसको अच्छे से स्टिक नहीं किया है, तो ये सारी चीजें आपकी ना के बराबर है। इसके लिए इस टॉपिक को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद में लास्ट वाला जो टॉपिक है उस पर आपको खास ध्यान देना है। अगर आप ज्वेलरी खुद से बना रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको प्रॉपर स्टिच करें एंड मैचिंग थ्रेड के साथ ही आप उसको स्टिच करें। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट थ्रेड ऐसा ना लें जो आपकी ज्वेलरी में चमक रहा हो। जस्ट एग्जाम्पल, आपने एक पिंक कलर का ईयरिंग बनाया है, उसमें आपने येलो कलर का थ्रेड ले लिया एंड वो थ्रेड प्रॉपर विजिबल हो रहा है कि आपने उसको कहाँ से स्टिच किया है। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी ज्वेलरी का इंप्रेशन कैसा होगा, आपकी ज्वेलरी में भी जरूर इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप इस चीजों को ध्यान देते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में देने के बाद में आप स्टिचिंग पे प्रॉपर ध्यान दें। अगर आप खुद से स्टिच कर रहे हैं या फिर आपके वर्कर स्टिच कर रहे हैं तो आप उनको वहां पे क्यूसी के साथ में, अगर आपके पास क्यूसी नहीं है तो आप खुद ही उनको चेक कर सकते हैं, उनका क्वालिटी खुद से चेक करके एंड देन ही आगे आप उसको पास ऑन करें या फिर आप उसको डिस्पैचिंग के लिए भेजें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वेलरी को एक अच्छा लुक देने के लिए, ज्वेलरी को प्रीमियम बनाने के लिए। एंड इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आपका जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी रेंज पे एंड जल्दी से मार्केट में सेल होगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आपके और कोई न्यू क्वारीज हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।